शाहबाद विधानसभा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला। पूर्व सीएम चौटाला पर ईडी की कार्रवाई पर बोले, जितने भी भ्रष्टाचारी देश में हैं सब पर कार्रवाई होगी और हमारी सरकार कार्रवाई करने में सफल भी रही, पर कार्रवाई किसी राजनीतिक द्वेष के चलते नहीं बल्कि उन लोगों के काले कारनामों के चलते हुए हैं। राहुल गांधी को कोर्ट से लगी फटकार पर बोले, उनको फटकार पहले भी कई बार लग चुकी है और उन्होंने कहा कांग्रेस के बड़े नेता अशोभनीय और बचकाने बयान देते हैं जो उनको छोड़ देने चाहिए। और अशोक तंवर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, अशोक तंवर जिस लट पर घुंघरू बनवाने की बात कर रहे हैं उसकी भाषा को वो और उनकी पार्टी के बड़े नेता अच्छे से समझते हैं। आप सब लोगों ने देखा है कि जनता पार्टी सबसे पहले अपने 10 के 10 उम्मीदवारों को घोषित कर चुकी है। हमारे उम्मीदवारों की जो दिनचर्या होती है वो कार्यकर्ताओं से मिलने से लेकर के और लोगों के बीच में जाकर के शहर गांव में नुक्कड़ सभाएं करके जनसंपर्क अभियान के नाते एक तरफ जहां चल रही है, दूसरी तरफ हमने 90 विधानसभाओं में से लगभग 70 विधानसभा क्षेत्रों के ये इस प्रकार के जो पन्ना प्रमुख आपने आज बड़ी अद्भुत व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की देखी है, ऐसे सम्मेलन कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी दलों से तैयारी के नाते कहीं आगे चल रही है और दूसरी तरफ जो दल हैं हरियाणा प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी जिसने लंबे समय तक इस प्रदेश में भी राज किया, इस देश में भी राज किया और वो झूठे ख्वाब देखती आगे फिर दोबारा से राज करने के, आज तक वो केवल 6 सीटें अपनी टिकटें अपनी घोषित कर पाई है। अन्य दल अभी इस प्रक्रिया से बहुत दूर दिखाई देते हैं। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को ध्यान कराना चाहूँगा कि हम लोग हर तरह से टिकटों के फैसले में भी, जनसंपर्क अभियान में भी और संगठनात्मक तैयारी में भी 10 लाख लोकसभा जीतने के लिए उनसे कहीं आगे हैं। कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री और उनके नेता ने भी उनको यह भाषा समझाई थी और उनकी पार्टी इस भाषा को अच्छे से समझती है। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की देरी पर बोले, दूसरी पार्टियों के नेता भाजपा के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। ये फटकार तो उनको कई बार मिली है, जनता से भी मिली है और अब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इतनी बड़ी फटकार लगाई है तो इन लोगों को अभी भी अपनी जो बचकानी हरकतें करते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, इन बातों से इनको बचना चाहिए और एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर जो मर्यादाएं होती हैं उनका पालन करते हुए ठीक प्रकार से लोगों के बीच में अपने लिए समर्थन मांगना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस प्रकार के जो लोग इस प्रकार की जो बातें करते हैं इनको सबक भी मिलेगा और इनके ऊपर लगाम भी मिलेगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।